Hello everyone, I am Prajakta and today we are going to learn about some important question answers of chapter 5, Living and Non-Living Things. आज हम लोग chapter 5, Living और Non-Living Things का कुछ important question answers discuss करेंगे. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं define the given terms. पहला क्वेश्चन है नेचुरल थिंग्स. थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ अच्छे कोई भी चीज जो इंसान नहीं बनाता वो नेचुरल होता है, तो वो लिविंग भी हो सकता है या फिर नॉन लिविंग थिंग भी. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, एक एनिमल एक नेचुरल थिंग है पर वो लिविंग थिंग है. प्लांट्स एक नेचुरल थिंग है पर वो लिविंग थिंग है. और वाटर, एयर, सन ये सब नेचुरल है, ये सभी नेचुरल पर ये नॉन लिविंग थिंग है. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है मैन मेड थिंग्स. थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, कार, बुक एक्सेट्रा. कोई भी चीज जो इंसान बनाता है उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. ये नेचुरल थिंग्स का बिल्कुल ऑपोजिट है. और नेचुरल थिंग्स में वो मे बी लिविंग थिंग भी हो सकते हैं और मे बी नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है. पर मैन मेड थिंग्स में वो नॉन लिविंग थिंग्स ही होगा, क्योंकि मैन कभी भी एक प्लांट को नहीं बना सकता. मैन कभी भी एक ह्यूमन कभी भी एनिमल को नहीं बना सकता. वो रोबोट बना सकता है पर सच्ची का एक एनिमल वो नहीं बना सकता. इसलिए वो कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग्स वो कभी हमें लिविंग थिंग को नहीं बना सकता. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर ये सब नॉन लिविंग थिंग्स और वो मैन मेड है एक्सेट्रा. टेबल, चेयर, बुक, कार एक्सेट्रा. इसके बाद वाला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसके बाद वाला क्वेश्चन है स्टोमेटा. टाइनी होल्स present on the leaves through which plant breathe are known as stomata. तो plants के leaves में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. वो होल्स हम देख नहीं सकते. वो हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. उन होल्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और प्लांट्स टोमेटा से ब्रीड करते हैं. तो अब हम लोग पढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड. प्लांट्स कहाँ से अपने फूड को पाते हैं. तो इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो बहुत सारे प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो ग्रीन रंग के होते हैं, ग्रीन कलर होता है उनका. तो वो अपने खाने को एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से बनाते हैं. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ. तो इसका आंसर होगा प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स. जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं लंग से, डायफ्राम से और नोज से. तो ये सब हमें ब्रीथ करने में हेल्प कर रहा है. बट वो सिर्फ ब्रीथ नहीं ले रहा है, हम पूरे बॉडी को वो ब्रीथ करा रहा है. वैसे प्लांट्स में स्टोमेट सिर्फ लीव्स में वो है. फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में डायफ्राम हमारे चेस्ट में है और नोज हमारे फेस में है. हमारा लंग्स हम वो भी चेस्ट में है. तो हम वो हमारे सिर्फ चेस्ट और फेस को ही फेस सिर्फ ब्रीथ नहीं करा रहा है, वो पूरे बॉडी को ब्रीथ करा रहा है. वैसे ही जो प्लांट्स में है, प्लांट्स में वो जो स्टोमेटा है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है पर वो सिर्फ लीव्स को ब्रीथ करने में हेल्प नहीं कराता, वो पूरे प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. तो प्लांट्स स्टोमेटा की मदद से हेल्प करते हैं, ब्रीथ करते हैं.
इसके बाद वाला क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड? तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. तो एनिमल्स प्लांट्स और अदर एनिमल्स से अपना फूड पाते हैं. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? Animals move from place to place in search of food, shelter, and run away from enemies. Animals एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं ताकि वो खाना ढूंढ सके, हम वो रहने के लिए जगह पाए और वो जो enemies है उनसे बच सके. इसके बाद वाला क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग थिंग आर, दे कैन ग्रो, breathe and feel. Second, they need food and water to live. Third, they can reproduce. तो कुछ जो लिविंग थिंग के फीचर्स हैं वो है, पहला वो ग्रो कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. वो दूसरा, वो उन्हें खाना ज़रूरत है, पानी ज़रूरत है. और तीसरा, दे वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. पर जो रिप्रोड्यूशन है, जो पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो सिर्फ गर्ल्स वो सिर्फ वुमेन्स में ही होता है, वो मेन में नहीं होता. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स का दो अंतर बताइए. तो पहला, प्लांट्स, दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. एनिमल्स, दे हैव सेंस ऑर्गन. दूसरा, प्लांट्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. थर्ड, दे कैन, प्लांट्स, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो प्लांट्स जो होते हैं उनका पहला डिफरेंस है कि वो उनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, पर एनिमल्स के पास होता है. प्लांट्स के पास, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर वो, पर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें खोजना पड़ता है खाना. प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी का मूव नहीं कर सकते, पर एनिमल्स कर सकते हैं मूव. तो आज के लिए इतना ही. टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. बाय बाय टाटा.